वहीं धौलपुर में रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव पर निकलने वाली शोभा यात्रा समेत आगामी त्योहारों के मद्देनजर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग सक्रिय हो गया है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने पैदल फ्लैग मार्च निकाला और पुराना शहर से शुरू हुआ यह पैदल मार्च कोतवाली पुलिस थाना पर जाकर संपन्न हुआ। जिला कलेक्टर ने शोभा यात्रा के रास्ते पर खुदे गड्ढों की जल्द से जल्द मरम्मत करने समेत अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। सभी व्यवस्थाओं को अच्छे से करते हुए ये सब पर्व त्यौहार बड़े हर्षोल्लास से और सुदूर को मनाई जाएगी। मैं सभी लोगों से अनुरोध अपील करना चाहूँगा कि पर्टिकुलरली सोशल मीडिया की पोस्ट पर और अन्य संस्थाओं पर कोई भी ऐसी कोई सूचना हो तो अपने जिम्मेदार लोगों को बताएं, जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन को तुरंत इसकी सूचना दें कोई भी ऐसी, और अपने आपस में किसी तरह की ऐसी तनाव और ऐसी अपनी ऐसी की पैदा ना हो, इसके लिए वो लोग सचेत रहें, सावचेत रहें, संपूर्ण प्रबंध रहे, अच्छी अच्छी शक्ति है, अच्छी पूरे अच्छे पर्याप्त प्रबंध रहे। और बाकी चीज़ें जो आपने बता दी, बाकी कुछ चीज़ें अफवाह टाइप की, बाकी हमारी पूरी चार्टों पर व्यवस्था रहेगी।